योगी जी ना अपने आप को सही बोल रहे हैं कि नौकरी गंगा नहीं बही है, गंगा में लाशें बही हैं। देश की रिपोर्ट हम उठा करके देखेंगे, हमें पता चलेगा क्राइम रेट कितना है यूपी के अंदर और हमारे भारत देश के अंदर। तो बीजेपी ने कहां मुक्त किया? एक जगह भी मुक्त नहीं किया है। देश के अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, वो देखा पर्चा थूक लगा लगा के पर्चा पब्लिक को बांट रहे, क्या इसमें कोरोना नहीं फैलता है? दूसरी पार्टी के लिए कोरोना फैलता है, उनके लिए कोरोना नहीं फैलता। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया है कि उन्होंने एक तो गंगा जो बहाई है विकास की नहीं, वो मौतों की गंगा बहाई है। कोरोना काल में ये बीजेपी सरकार बिल्कुल विफल रही है। माँ भारती की सच्चा सेवा करने को राष्ट्रवाद कहते हैं, और लोगों को लूटना, खसोटना, परेशान करना, नौकरियां न देना, बेरोजगार रखना और बरगलाने वाली बातें करना, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ना, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना राष्ट्रवाद किसी की नज़र में नहीं हो सकता। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे और अखिलेश यादव की काफिला यहाँ से गुजरी है। कुछ समाजवादी समर्थक है, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ माहौल है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में मतदान है, तमाम जो सियासी पार्टियां हैं इधर के दौरा कर रहे। अखिलेश यादव भी कल जो है बैठक किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जयंत चौधरी के साथ। समाजवादी समर्थक इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से भाजपा कहती है कि लाल टोपी जो है खतरे की निशानी है, तो लाल टोपी भाई साहब लगा रखे हैं क्या? भाई साहब खतरे की निशानी आप भी लगा रखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि खतरे की निशानी है, ये एक बलिदान का निशान है। जैसे कि हमारे देश के झंडे में तीन कलर है, लाल, सफ़ेद और हरा। तो लाल जो कलर होता है वो बलिदान का, सेक्रीफाइस का कलर होता है। हम हर जगह बलिदान देने के लिए तैयार है, हम लाल कलर से ये दर्शाते हैं। तो समाजवाद यही दर्शाता है लाल कलर को लेकर के, कि हम बलिदान वाले देने वाले लोग हैं और हर जगह बलिदान लेने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। लग रहा है योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अपराध मुक्त हो गया है प्रदेश हमारा, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया। प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं अखिलेश की सरकार गुंडों की सरकार थी। देखो क्राइम की अगर हम बात करते हैं तो जो समाजवादी पार्टी की सरकार में क्राइम होता था उससे बहुत हाई रेट हो चुका है बीजेपी की सरकार में, लेकिन उसके तरीके तौर तरीके बदल चुके हैं, प्रोफेशनलिज्म में आ गया है ये जो तरीका है, ये क्राइम है प्रोफेशनलिज्म में आ गया है। मतलब जो क्राइम होता है, एक होता है ओपनली क्राइम, एक होता है अंदरूनी क्राइम। ओपनली क्राइम भी समाजवादी पार्टी से बहुत ज़्यादा है मौजूदा सरकार में, और प्रोफेशनलिज्म तो बहुत हाई हो चुका है। आप चीज़ें रिपोर्टें उठा करके देखेंगे, विदेशी रिपोर्टें उठा करके देखेंगे, उन्हें छोड़ो, जब देश की रिपोर्ट हम उठा करके देखेंगे हमें पता चलेगा क्राइम रेट कितना है यूपी के अंदर और हमारे भारत देश के अंदर। तो बीजेपी ने कहां मुक्त किया? एक जगह भी मुक्त नहीं किया है। रोडों पर चीज़ें जो है चोरी चकारी हो जाती है, चलते फिरते लोगों को परेशान किया जाता है, आम आदमी की जो आपके हिसाब से अखिलेश समाजवादी की सरकार अच्छी थी, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी थी क्राइम के मामले में। क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम गालिब है। अच्छा गालिब भाई, क्या लग रहा है जी सर, योगी जी कह रहे हैं 350 बार इस बार हो रहा है भाजपा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा दिखाई भी नहीं देगी, भाजपा का नाम भी मिट जाएगा यहाँ से, बिल्कुल यूपी में भाजपा का नाम नहीं रहेगा, सोपड़ा साफ हो जाएगा इस बार हमारे। राम मंदिर बनवा रही है भाजपा, कह रही है कि मथुरा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। नहीं राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, बन गया है राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बेरोजगारी है, रोजगार है और काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं। अगर जी रोजगार तो दे ही रहे हैं ना जी, छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटी जो आम पब्लिक है वो काफी परेशान रही है, आपने देखा काफी ज्यादा परेशान रही है। अच्छा क्या कहेंगे जिस तरह योगी जी कह रहे हैं कि नौकरी की गंगा बहा दी है, तमाम देख रहे होर्डिंग लगा हुआ है दिल्ली, उत्तर, नोएडा, सब जगह, क्या लग रहा है आपको, नौकरी मिली? देखिए नौकरी की गंगा तो नहीं बहाई है, लेकिन कोरोना में जो गंगा में लाशें बही हैं उस पर क्या कहना चाहोगे आप? तो जर्नलिस्ट, आपने सारा कुछ कवर किया है और आप बाईस होके भी नहीं करते हो, मुझे पूरा इस पर विश्वास है, पूरा विश्वास है। लेकिन जो गंगा में लाशें बही हैं, जिसे जो हमारे भाई हैं, जो सभी वर्गों के लोग जो कोरोना में जिनकी डेथ हो गई, ठीक है, अनटाइमली जिनकी डेथ हुई है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो योगी जी ना अपने आप को सही बोल रहे हैं कि नौकरी गंगा नहीं बही है, गंगा में लाशें बही हैं। हाँ, जिस तरह से अमित शाह भी देख रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है पहले चरण में। हाँ जी हाँ जी, हालत बहुत बदली है, डोर टू डोर कैंपेन से भी जीतने वाले नहीं है। तो आप समझो कि जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाने का काम अमित शाह जी पहले से करते आए हैं। 2017 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, अपने बैटल फील्ड में लड़ा मान सकते हो, जैसे उनका मुद्दा है हिंदू मुसलमान है, हिंदू मुसलमान इस सरजमीन राष्ट्रवाद का मुद्दा है उनका, राष्ट्रवाद प्रथम,
देखिए राष्ट्रवाद इसे मेरी नज़र में राष्ट्रवाद नहीं होता। माँ भारती की सच्चा सेवा करने को राष्ट्रवाद कहते हैं, और लोगों को लूटना, खसोटना, परेशान करना, नौकरियां ना देना, बेरोजगार रखना और बरगलाने वाली बातें करना, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ना, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना राष्ट्रवाद किसी की नज़र में नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद की सिंपल परिभाषा है कि राष्ट्र की सेवा करो, राष्ट्र के लिए मर मिट जाओ, बलिदान दो। और हमारा लाल रंग भी यही कहता है कि योगी जी दे ही रहे ना राष्ट्र को। योगी जी क्या ही देंगे योगी जी। योगी जी पहले अपनी मेहनत से चीफ मिनिस्टर नहीं बने। मोदी जी का चेहरा था, जनता ने चुना, जनता ने उन्हें नहीं चुना, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी ने चुना। अगर आपकी नॉलेज सही हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, योगी जी का कोई योगदान उत्तर प्रदेश के विकास में नहीं रहा। उत्तर प्रदेश विकास के हर पैमाने पर, देखिए विकास के हर पैमाने पिछड़ गया है। आप कहाँ पे देखेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश जो रहा है, उत्तर प्रदेश में युवाओं की हालत बहुत पतली है, स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं चरमरा गई हैं, शिक्षा की गुणवत्ता का तो नाम मत लीजिए। उत्तर प्रदेश पूरी तरह क्या कैसे रही है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है, तो क्या कहाँ किसको दे रहे हैं वो लोग? देखिए मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता से, मैं सबको चांद पे भेज दूंगा। क्या मैं भेज दूंगा सबको चांद पे? मुमकिन है नहीं। चीज़ है धरातल पे जो है वो सबको दिखाई देती है। आम जनता त्रस्त हो गई है, मन बना चुकी है चुनाव में, अब मन बना चुकी है जनता। पहले चरण का हो या अंतिम चरण का हो, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। और ये आपके जो फेमस यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से मैं जनता तक बात पहुंचाना चाहता हूँ। असल मुद्दों से नहीं भटकना है। राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से वो बना है और ट्रस्ट के माध्यम से बना है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जो संघ द्वारा प्रचालित की जाती है, आपको भी पता है, पैटर्नल ऑर्गेनाइजेशन RSS है। तो सारी चीजों को ठीक है आपके पास आएंगे। क्या लग रहा है भाई, जब नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम गौतम सिंह है। अच्छा गौतम जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में योगी जी ने काम किया कि नहीं किया? योगी जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया है कि उन्होंने एक तो गंगा जो बहाई है विकास की नहीं, वो मौतों की गंगा बहाई है। कोरोना काल में ये BJP सरकार बिल्कुल विफल रही है, क्योंकि इन्होंने जो गवर्नमेंट का डाटा है वो प्रॉपर नहीं दिया और इन्होंने गंगा में लाशें बहाई। नहीं तो वो तो कह रहे विकास में हुआ, राशन तो मिल रहा है ना, फ्री राशन आपको? राशन ये 2 किलो गेहूं देके ये जनता को भिखारी का रूप देना चाह रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये 2 किलो गेहूं या 2 किलो चावल देना कोई विकास नहीं होता है। पहले तो कह रहे ये तो पहले नहीं मिलता था ना, कम से कम मोदी जी योगी जी फ्री दे तो रहे। हमारे उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसका टोटल 34-35% जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनको और बढ़ावा देने के लिए ये उन्होंने जो लॉन्च किया है प्रोग्राम, वो 35 से उसको 50% ले जाने के लिए ये कर रहे हैं, ताकि जनता गरीब रहे और हमारे अधीन हो जाए, भिखारी हो जाए सारे। योगी जी कहते गुंडा राज आ जाता है, लाल टोपी वाले देख रहे हैं ये सब कह रहे हैं, ये सब गुंडा गुंडाओं की निशानी है। कहना चाहूंगा कि योगी जी के यहाँ पे गुंडे सारे या तो देश को छोड़ के जा रहे हैं उनका मानना है, या सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ये जो हाथरस में हुआ था वो क्या इन्हीं के लोग थे? जब गुंडे नहीं थे तो क्या ये BJP के कार्यकर्ता थे या BJP का कोई सांसद या विधायक था? क्योंकि गुंडे तो सारे सलाखों के पीछे हैं। तो ये आप लोग दिख नहीं रहा, योगी जी कह रहे हैं कि रवि किशन कहते हैं योगी जी इतना काम कर रहे हैं, 24-24 घंटे काम करते हैं, मुख्यमंत्री है वजस्वी मुख्यमंत्री है, तो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है? आप लोग अखिलेश का गुण गा रहे हैं। सबको दिख रहा है अखिलेश का गुण, कोई नहीं गा रहा, सब अपना विकास के लिए दौड़ रहे हैं। कोई भी समाजवाद के लिए नहीं दौड़ रहा, कोई भाजपा के लिए नहीं दौड़ रहा है, सब अपना विकास चाहते हैं। पूरे 5 साल में इन्होंने कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में 10,000 वैकेंसियां नहीं निकाली और ये विकास की रोजगार 3 लाख रोजगार कह रहे हैं। वो 10 लाख का है उनके हाथ में है, उनके मुंह में है, पर जमीन पर कुछ भी नहीं है, नहीं मिला। क्या लग रहा है सर? वो कह रहे हैं 3.5 लाख, कहीं 5 लाख का बोर्ड लगा हुआ है, रोजगार की गंगा बह रहा है। देखिए जो काम अखिलेश यादव जी ने किए थे पहले, उन्हें कॉपी करके बिना धरातल पर लाए, उन्हें कॉपी करके होर्डिंग लगा दिए हैं, और होर्डिंग लगाना सरकार के अधीन है, बजट सरकार के अधीन है, सारा पैसा वित्त मंत्रालय। इतना तारीफ कर रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ नंबर 1 मुख्यमंत्री है, आप कैसी बात कर रहे हैं? नंबर 1 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मैं भी मानता हूँ, विफलताओं में योगी आदित्यनाथ जी नंबर 1 है। विफलताएं देखिए, कोरोना मैनेजमेंट में पूरी तरह धराशाही, जनता को रोज जो जनता है उसे गरीबी रेखा से, जैसे हमारे अभी भाई ने कहा कि जो गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाली जनता है, क्या आपको पता है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनकी परिभाषा क्या है? जो शहर में 31 राशन तो दे ही रहे ना, मुफ्त राशन, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, वादा तो कर रही होगी जी। आपकी बात से सहमत हूँ। आप जर्नलिस्ट हैं, बेहतर जानते हैं चीज़ों को, जगह जगह जाते हैं। 31 रुपये जो शहर में डेली खर्च करता है, प्रतिदिन खर्च कर सकता है या कमाता है, और जो देहात में 18 रुपये कर लेता है, 18 से 23, परिभाषाएं बदलती रहती हैं, बट अभी जो मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम, जो 18 से 23 देहात में और शहर में 31 से 37 रुपये तक खर्च कर लेता है, वो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं आता। मैं ये कहता हूँ, पर डे अगर बंदा जूतों पर पॉलिश कराने लगे तो वो 20 से 30 का खर्च हो जाता है आज के टाइम में। अगर 10 किलोमीटर की ट्रेवलिंग कर ले, नॉर्मल बता रहा हूँ, खाने पीने को छोड़िए,
तो वो 30 से 40 सौ रुपए भी खर्च कर देते। मुद्दा क्या होगा इस बार? वो मुद्दा आपको दिख रहा है ना, हम लोग जनता ही तो हैं, कार्यकर्ता जनता नहीं होती क्या? हमारे मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा है हमारा बेरोजगारी खत्म हो, गरीबी रेखा से जो जीवन यापन नीचे करने वाले लोग जनता है वो कैसे जो है सर्वाइव कर पाए, आगे बढ़ जाए। और मैं बता रहा हूँ आपको, शिक्षा मुद्दा है हमारा, किसान किस तरह आमदनी दोगुनी कर किसान का बेटा सरहद पर लड़ रहा है, मुझे बता रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बीमारू राज बना दिए थे अखिलेश यादव, बीमार चारों तरफ जो है लूट खसोट भ्रष्टाचार फैला हुआ था। देखिए ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है, बीमारू किसने बनाया है? कोरोना काल इन्हीं के राज्य में आया, अखिलेश यादव जब थे कोई बीमारी नहीं चल रही थी, सारा सब संतुष्ट राज्य, सारे लोग खुश थे, खुशहाल जीवन यापन कर रहे थे। रह गई एक बात और भी हम कहना चाह रहे हैं, आपको भी पता है अगर लाइट, जो भी लाइट बिल आता था हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा था, सबको पता है, अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, तभी इनको याद आई 3 रुपये यूनिट, इससे पहले 4.5 साल तो लूटा है फिर तो पब्लिक को। योगी जी मतलब आपके हिसाब से सही काम ना किया, युवा बहुत नाराज लग रहे हैं। नहीं, युवा के लिए कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया, ना युवाओं के लिए किया है ना किसानों के लिए है। किसान किसके लिए किए, किसके लिए किया? सिर्फ अपना देखा है, जिसके लिए किया है अपना किया है, परिवार ही नहीं है किसके लिए करेंगे? वो एक जुमला है उनका कहने का मतलब, वो इसीलिए हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं आपस में, हम सब भाई भाई हैं, सब भाई भाई मिलके रहते हैं, किसी में मतभेद नहीं है। इस बार चुनाव है, क्या लग रहा है भाई साहब, भाई भाई बन के रहेंगे कि फिर इस बार 350 पार हो जाएगा योगी आदित्यनाथ का? योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल भी सरकार नहीं बन रही है, बीजेपी की बिल्कुल सरकार नहीं बन रही है, जनता को ये गुमराह किया जा रहा है। पहली चीज तो समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आने ही वाली है, आई जाएगी, लग रहा है सर आ जाएगी। देखिए आ जाएगी क्या, बन चुकी है सरकार, जनता जब मन बना चुकी है तो देखिए। आप बताइए क्या लग रहा है, समाजवादी आ रही है क्या इस बार? सरकार समाजवादी की ही आएगी, ये समाजवादी का डर होता तो अखिलेश यादव ऐसे कभी कैंपिंग, कोई गृह मंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री डोर टू डोर कैंपिंग किसी ने नहीं की आज से पहले, आपने भी देखा होगा और हम भी देखते चले आ रहे हैं, जो भी अपनी उम्र है उसके अकॉर्डिंग। बीजेपी अमित शाह जी को आना नहीं चाहिए था, बीजेपी इतनी घबराई हुई है कि डोर टू डोर जाके वोटिंग वोट मांगने के प्रयास में लगी पड़ी है, लेकिन इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। क्या लग रहा है आपको? जो सबसे ज्यादा बीजेपी में घबराहट है वो सभी वर्गों को लेकर है, बीजेपी अब की बार तोड़ पैदा नहीं कर पाई, बांटो राज की नीति जो है फेल हो गई है। और देखिए नीतियां फेल होती रहती है, जो गुमराह करने वाली पॉलिसीज होती हैं वो फेल होती रहती हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरी जो है आपको पता है सहानुभूति है इस चीज को लेकर कि वो 50 सीट भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो आखिरी क्या कह रहे हैं? हमने ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे देश के अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, वो देखा पर्चा थूक लगा लगा के पर्चा पब्लिक को बांट रहे, क्या इसमें कोरोना नहीं फैलता है? दूसरी पार्टी के लिए कोरोना फैलता है, उनके लिए कोरोना नहीं फैलता। मैं ये कह रहा हूँ, सवाल पूछ रहे हैं आप, अजीब नहीं आपको? मैंने कल आपको, आपने भी देखा होगा, किसी भी चैनल ने ये चीज़ नहीं दिखाई होगी, जो भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो आ रहा था वो जीप में लगा लगा के पर्चा बांट रहे थे, ये गलत था नहीं था। तो ये तमाम कार्यकर्ता जो समर्थक अखिलेश यादव को NH जो है मेरठ एक्सप्रेसवे पे हमें मिले, अखिलेश यादव काफिला अभी यहाँ से गुजरा है, चुनावी सरगर्मियाँ है, तमाम जो नेता है, तमाम पार्टियाँ जो है रैली और सभाएं कर रही है, बाकी तमाम जो जगह पे हम जा रहे लोगों से जा बातचीत कर रहे हैं, माहौल जो है जिस तरह से नज़र आ रहा है आपको भी लगेगा, जिस तरह से तमाम पार्टियाँ दावे कर रही हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन चुनाव नजदीक है, जनता फैसला करेगी कि जनता किसके साथ जा रही है, ये तो समय बताएगा। न्यूज MX के लिए गाजियाबाद से मैं राशिद कमाल।